नाजरीन आप देख रहे हैं द बोल्ड वॉइस और मैं हूं शाजर मीर। टॉप हेडलाइंस के आज के शुमारे में चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की आज की अहम खबरों पर। कश्मीर आई एक्ट्रेस भाग्यश्री ने कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा, लोग कहते हैं कि कश्मीर मिनी स्विट्जरलैंड है, लेकिन मेरी राय में स्विट्जरलैंड मिनी कश्मीर है। यहाँ आपको एक सुकून मिलता है, लोग इतने अच्छे हैं कि आपको कभी भी मुश्किल नहीं होती। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी ने कहा कि भाई के मौत की अफवाहें बेबुनियाद हैं, वो 1000% फिट हैं। सोशल मीडिया और पाकिस्तान में भी फैली हुई खबरों के बाद शकील ने कहा, ये सिर्फ वक्तन फवक्तन गलत नीयत के साथ फैली गई अफवाहें हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर महर टनल की खुदाई का काम रुक गया है, क्योंकि उसकी साइड वॉल पर दबाव पाया गया। ये जानकारी टनल पर काम कर रहे अधिकारियों ने दी। 780 मीटर लंबी सी टाइप टनल की कंस्ट्रक्शन का काम 1 साल से ज्यादा वक्त पहले शुरू हुआ था, ताकि जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में स्लाइड प्रोन महर कैफेटेरिया स्ट्रेच को अवॉर्ड किया जा सके। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में सोमवार दिन में 2 बार जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसका एपिसेंटर किश्तवाड़ में बताया गया है। मशहूर फ्री स्टाइल फुटबॉलर अगस्का और पत्रिक बउर ने डल्ले के सामने अपनी स्किल्स दिखाकर सबको हैरान कर दिया। उनके शानदार स्किल्स ने मुकामी लोगों और टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा। जम्मू कश्मीर को सियासत का दर्जा वापस देने की मांग जोर पकड़ रही है। कई सियासी पार्टीज ने स्टेटूट और आर्टिकल 371 की मांग कर रहे हैं। यही पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बाकी की हेडलाइंस। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपका स्वागत, देखिए बाकी की हेडलाइंस। आज इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी, जिसमें जल्द सीट शेयरिंग और बीजेपी के खिलाफ स्ट्रेटजी पर फोकस किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी इस मीटिंग में होंगे शामिल। कुछ दिनों के लिए बंद रहने के बाद मुगल रोड पर फिर से ट्रैफिक शुरू हो गया है। अखनूर डिस्ट्रिक्ट के कचरेला एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बड़ी संख्या में जंग लगा हुआ हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने फिर से कहा है कि भारत में ड्राइवरलेस कार्स को मंजूरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर ऑटोनोमस गाड़ियां देश में लाई जाएंगी तो 80 लाख ड्राइवर्स बेरोजगार हो जाएंगे। ड्राइवरलेस व्हीकल सिर्फ कम आबादी वाले देशों के लिए ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए नहीं। तो ये थी आज की हेडलाइंस, कल फिर इसी वक्त होगी मुलाकात टॉप हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहे द बोल्ड वॉइस।